अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मजेदार रमजान स्पेशल कीमे के समोसों की रेसिपी लेके जा रही हूँ। बहुत ही मजे की ये रेसिपी बनती है, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आती है। और आज मेरे साथ मेरी वीडियो में जो है वो मेरी भाई की बेटी है, उसका नाम सारा है, और इंशाल्लाह वो हम भी साथ साथ एंटरटेन भी करेंगी और हम साथ साथ रेसिपी को एंजॉय भी करेंगे। सबसे पहले हम इंग्रीडियंट डिस्कस कर लेते हैं। तकरीबन मेरे पास आधा किलो जो है वो कीमा है, उसको बिल्कुल ही रूखा कीमा है और बिल्कुल फ्रेश है। मैंने इसको ड्राई अच्छे से कर लिया है, और बेहतर है कि आप डीप फ्रॉस्ट कीमा ना यूज़ करें, फ्रेश करें, क्योंकि बड़ा अच्छा उससे जायका आता है। तो मेरे पास आधा किलो कीमा है व्हील का, साथ मेरे पास एक बड़ी साइज की प्याज है, उसको छोटा छोटा मैंने कर लिया है। लाल मिर्च पाउडर है तकरीबन 1 टी स्पून, और मेरे पास नमक भी हसब जायका, ये भी 1 टी स्पून होगा। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के है। 2 टेबल स्पून तकरीबन मेरे पास आम मैदा है फ्लावर, साथ मेरे पास 1/2 टी स्पून काली मिर्चे हैं। या वी हैव नाइस अनियंस, और उसके बाद वहाँ पर गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, और साथ जीरा है तकरीबन 1 टी स्पून के अकॉर्डिंग। बाकी सारे इंग्रीडियंट्स का जो हिसाब किताब, नो दिस इज बीफ, वी आर मेकिंग बीफ समोसास, यस। और बाकी सब जो रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं उनके आपको डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने जो है वो एक सिंपल सा पैन ले लिया, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है। जितना आप कम ऑयल डालेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है आपके समोसों के लिए, अदरवाइज जो समोसे हैं वो बिल्कुल ज़्यादा सॉगी हो जाएंगे और ऑयली हो जाएंगे। अब मैं सिंपल इसके अंदर जो है वो बीफ का कीमा डाल रही हूँ, और आँच बिल्कुल भी अभी तेज़ नहीं है, नॉर्मल ही है, क्योंकि बीफ को थोड़ा सा गढ़ने में टाइम लगता है। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट और सारे स्पाइसेस, और साथ के साथ इसे भूनती रहूंगी। जैसे ही ये कीमा जो है भुनने लगा है, हम साथ ही इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसको इतनी देर पकाएंगे कि बच्चे टेंडर हो जाए। जैसे कि व्हील का कीमा है, बहुत जल्दी जो है वो टेंडर हो जाता है, बहुत आसानी से टेंडर हो जाएगा, तो इसलिए कुछ मसला नहीं है। बस हार्डली मैं इतनी देर पकाऊंगी कि पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और गोश्त बन जाए। कीमा जो है वो टेंडर हो गया है, हमने इसको फर्स्ट ड्राई कर लिया, थोड़ी देर मैं इसको भूनूंगी। तो सिंपल मैंने इस स्टेज पे जो है ना अनियंस डाल देंगे। आप अक्सर नोट करते हैं कि हम लोग जब बाजार से खाते हैं तो उसके अंदर बड़ी अच्छी जो है क्रिस्पी सी अनियंस आ रही है, इसलिए क्योंकि हम लोग शुरू में नहीं डालते, एंड में डालते हैं। बस अब इतनी देर के ये कीमा हमने भूनना है, और भूनते भूनते अनियंस भी थोड़ी सॉफ्ट सी हो जाएंगी और कीमा भी हमारा हो जाएगा टेंडर। जैसे ही आप देख सकते हैं कि इसके जो ना ऑयल आना शुरू हो गया है, और काफ़ी हद तक जो है वो प्याज के लिए पानी छोड़ा था, उसने भी उसको काफ़ी टेंडर मजबूत कर दिया है। अब जो हमने फ्लावर लिया था वो मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून पहले डालूंगी, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून पूरा हो गया। यही इसका सीक्रेट इंग्रीडियंट है, जब हम लोग देखते हैं बाजार वगैरह में तो उनका जो मसाला होता है अंदर का बैटर होता है, आराम से गिरता नहीं है, बड़े अच्छे से सॉलिडली उसके अंदर स्टक रहता है। तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर डालते हैं मैदा, ठीक है। मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, उससे बड़ी अच्छी सी कोटिंग भी आ जाएगी, और जो हमारा ऑयल है या जो पानी करा सा रह गया है वो जब्स भी कर लेगा। थोड़ा सा इसके अंदर और डालती हूँ तकरीबन 1/2 चम्मच, अच्छे उसको भी अच्छे से मिक्स करूंगी। थोड़ी देर भूनूंगी, जैसे हम लोग व्हाइट सॉस वगैरह के लिए मैदे को भूनते ताकि उसकी पचाव ना आए, बस इतनी देर आपने इसको भूनना है, ठीक है। बस हल्की सी फ्लेम आने लग जाए और ये बड़े अच्छे से सॉलिड सा टेंडर सा हो जाए। बस अब फिर इसको हम निकाल लेंगे, ठंडा करेंगे इंशाल्लाह, और फिर इसकी पत्तियों में इसको फिल करेंगे। द कीमा इज डन, या जो हम लोगों ने बैटर बनाया था वो तैयार हो चुका है। साथ मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं, उसको अंदर से ऐसे चॉप चॉप सा कर लिया, और अंदर से मिर्च उसके बीच थे वो मैंने निकाल दिए जस्ट फ्लेवर के लिए। आप चाहें तो इसके अंदर भी डाल सकते हैं जब हम लोग डालते हैं प्याज, लेकिन मैं जो उसकी क्रंचनेस और उसका ग्रीन जो ब्राइट कलर होता है उसकी वजह से जो है मैं इसको नहीं करती, पकाती नहीं। तो हमारा कीमा तैयार भी हो गया है, ठंडा भी हो गया है, और बस अब हम इसको फिल करेंगे। सिंपल मैंने जो है वो मांडा पट्टी ले ली है, बाजार वाली ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो घर पे बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल होती हैं इंटरनेट पे जिससे आप इसको आराम से बना सकते हैं। सारा यू डोंट हैव टू ईट इट, दिस इज़ नॉट फॉर ईटिंग,
तो ये सिंपल मैंने जो है वो मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो बेसिकली बाइंडिंग के लिए एक मटेरियल सा तैयार कर लिया है, जिससे हम लोग अपनी समोसों को बाइंड करेंगे। तो सिंपल मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल एक चमचा ले लिया है, साथ ही मैं थोड़ा सा मटेरियल निकाल के एक कॉर्नर कॉर्नर पे रखूंगी। आई होप मेरा कैमरा फोकस कर पाए और आपको समझ आ जाए मैं किस तरीके से बाइंडिंग कर रही हूँ। और मैंने इसको ट्राइंगल करके और सेकंड ट्राइंगल करके इसी तरीके से चलाते जाना है और ये समोसा हो जाएगा तैयार। और इससे हम बाइंडिंग कर देंगे सिंपल अपने समोसे की। ठीक है जी, इसी तरीके से मैं सारे समोसे भी तैयार करती जाऊंगी। सिंपल मैंने एक कॉर्नर पे बैठा रखा है, सिंपल मैंने कॉर्नर पे जो है वो कीमा रख दिया है। एक दफा इसको इस तरीके से फ्लिप किया है, दूसरा मैंने इसको इस तरीके से फ्लिप किया है, तीसरा मैंने इस तरीके से फ्लिप किया। अब हमारे पास ये जगह आ जाएगी सिंपल, इसको मैंने बैटर हल्का सा लगा के और इसको कर देना है फोर। ठीक है, इसी तरीके से मैं सारे समोसे तैयार कर लूँगी और फिर हम इंशाल्लाह करेंगे इसको फ्राई। तो मैंने तकरीबन काफ़ी सारे समोसे जो है इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। आप सिंपल इसको तैयार करके तो फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीजर में रख सकते हैं, जब भी आपको ज़रूरत हो आपने निकाला और उसको डीफ्रॉस्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आप कढ़ाई में इसको डाल सकते हैं। अब सेकेंडली मैं आपको बता दूँ कि जब भी आपने समोसे फ्राई करने हैं तो आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल गर्म करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो आपकी जो समोसे की स्किन है उसमें बबल्स आ जाएंगे और बिल्कुल वो नीट लुक नहीं आएगा जो हम लोग अक्सर बाजार वगैरह में देखते हैं या जो हम लोगों को पसंद आता है, और क्रिस्पी भी नहीं होते। तो हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे इतनी देर के बस इसका कलर चेंज हो जाए, और हल्की आंच पे पकाने से ये भी होएगा कि अंदर तक जो है वो जो हमारी समोसे की पट्टी है वो अच्छे से पक जाएगी। और एक और मैं आप लोगों को टिप साथ के साथ बताती चलूँ कि हमेशा समोसा अच्छे तरीके से टाइट करके बंद करना है, वरना अदरवाइज उसके अंदर ऑयल जाएगा। हम लोग जो घरों में समोसे बनाते हैं उसका यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम उसको अच्छे से टाइट करके बंद नहीं करते। सो तकरीबन मैं इसको 5 मिनट तक पकाऊंगी, इतनी देर दोनों साइडों पर कि ये अच्छा सा इसका बस कलर चेंज हो जाए। दैट्स इट। तो मज़ेदार से जो है वो समोसे तैयार हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी इसकी शक्ल है, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट इसकी साइड चाहिए, इस तरह इसमें बबल्स नहीं है जिस तरीके से हम लोग आम घर में बनाते हैं। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई भी करना है, और इसी रेसिपी से आप चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। और भी अगर आपको कोई सवाल हो या कोई आपको स्पेशल रेसिपी चाहिए हो रमज़ान की तो ज़रूर मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के लिए अपडेट करती जाऊँगी और आप लोगों को मज़ेदार इजी रेसिपीज आपको साथ शेयर करती जाऊंगी। यम्मी, प्लीज सब्सक्राइब।